हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर लॉजिक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग NSIC प्रोग्रामिंग पर इम्पॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सो यू नो, सो डेनिस रिचे, डेनिस रिचे इज फादर ऑफ द सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T बेल लेबोरेटरीज ऑफ USA इन 1972। सो नेक्स्ट आंसर, AT&T बेल लेबोरेटरीज ऑफ USA इन 1972। सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इन टू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ किया जा रहा है। तो हमारा ये जो है ऑप्शन, वो एन एडिटर है। एडिटर में हम कभी कोई लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, एडिटर में केवल और केवल हम किसी भी कंटेंट को राइट करते हैं, ठीक है। तो एन एडिटर हमारा ये आंसर गलत हो गया। इसके बाद कंपाइलर, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हमारा ये आंसर सही हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, ये एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो डी, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही हमारा सही है, जो कि हम बी पर, बी को ही हम आगे कंसिडर करेंगे करेक्ट आंसर के लिए। तो एक कंपाइलर, हमारा एक कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन ए सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। सो स्टूडेंट्स, आंसर इज सी, ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। इसके बाद, फॉर 16-bit कंपाइलर अलाउेबल रेंज फॉर इंटीजर कॉन्स्टेंट इज। सो इंटीजर वेरिएबल जो भी हम बनाते हैं, तो अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारा जो भी वेरिएबल, अगर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो उसकी जो साइज़ रेंज है वो -32,768 to 32,767 तक साइज रेंज होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। सो आंसर इज डी, हमारी जो हायरार्की है किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंसी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हायरार्की प्रेसिडेंसी जो होती है हमारे, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन और प्लस और माइनस की। इसके बाद, व्हाट इज़ एन एरे का मतलब है कि आपको एरे की अगर डिफिनीशन आती है तो शायद है कि इस आंसर को आप करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल दैट आर ऑफ डी सिमिलर डेटा टाइप। सो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि एरे की जो डिफिनीशन है वो ये है कि एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल दैट आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। सो हेयर बी इज द करेक्ट आंसर, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल दैट आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द राइट वे टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट इन सी। अब इनमें से जो भी ऑप्शन है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर हमारा कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कॉन्स्टेंट, जब भी हम कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, उससे पहले हम उस वेरिएबल का हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, और डेटा टाइप को डिक्लेयर करने से पहले हम कॉन्स्टेंट या जो भी हम मॉडिफायर हमें यूज़ करने हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो ऑप्शन
बी जो दिया जा रहा है वो बोथ सी बी एंड सी दोनों को करेक्ट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम इस ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, ओके। इन विच स्टेटमेंट ईच केस इंस्टेंस वैल्यू मस्ट बी कॉन्स्टेंट। ओके, व्हाट इज राइट वे टू इनिशियलाइजेशन एरे। दिस इज द वे ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवाइज ऑपरेटर कैन ऑपरेट अपॉन इंटीजर एंड करेक्टर। बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो इंटीजर और करेक्टर पर ही केवल ऑपरेट किए जाते हैं, फ्लोट पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, फ्लोट और डबल पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, केवल दो डेटा टाइप पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसको हम जानते हैं इंटीजर और करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट वे टू एक्सेस वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक बुक प्राइस पेज। अब बुक क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल, एक बुक एक वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है जो कि हमें प्रिंट करना है, तो हम कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो ये करेक्ट ऑप्शन है, प्रिंट अप %D% बुक डॉट प्राइस फिर बुक डॉट पेज। ये डॉट जो है ये किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल हम बना रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर जो हम एट्रीब्यूट या फिर उन प्रॉपर्टी जो राइट कर रहे हैं उनको, उनकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर के साथ में उनके वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, इसके इसलिए इसको हम बुक डॉट प्राइस यूज़ करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन यू नो दैट इज़ ए सिक्वेंशियल रैंडम, सिक्वेंशियल एंड रैंडम नन ऑफ द एरे। सो एरे में जब भी हम कोई एक एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो सिक्वेंसली वैल्यू को स्टोर करता है एक इंडेक्स में, एरे इंडेक्स में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। द बॉडी ऑफ ए डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो वो हमारे ऑप्शन में सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा बी। मतलब कहने का है कि यहाँ पे कि द बॉडी ऑफ ए डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। डू व्हाइल एक ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार तो रन होगा ही होगा, व्हाइल लूप हमेशा, जरूरी नहीं है कि व्हाइल लूप रन हो। ठीक है, रन होने से पहले वो क्या चेक करता है, कंडीशन चेक करता है, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तब वो रन होता है, अदरवाइज टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम है। लेकिन डू व्हाइल कंडीशन को चेक करने से पहले एक बार रन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है तब जाके उसको रन करता है किसी प्रोग्राम को, तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाइनरी ट्री विद 27 नोड हैज़ नल ब्रांचेस। अब यहाँ पे बात ये है कि एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब उस बाइनरी ट्री में 27 नोड्स हैं, अब वो 27 नोड्स हैं, अब उन नोड्स में अगर हर नोड में अगर एक एक चाइल्ड है तब फिर 27 होगा, अगर उस नोड में हो सकता है कि दो चाइल्ड हो सकता है तीन चाइल्ड हो, यहाँ पर ये ऐसा, यहाँ पर ये असाइन नहीं किया गया है कि हर नोड में कितने चाइल्ड उसके यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन, इसलिए हम इसको ऑप्शन जो कंसीडर करेंगे वो हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग ए कोड। सो मेन I equal to 2, J equal to 2, while I plus 1, minus I, J plus, plus, print up, D, I की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है आपको, तो I की वैल्यू जो हम प्रिंट करेंगे जिससे हमारा प्रोग्राम सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ये आंसर जो देगा वो वन आंसर आएगा। ठीक है, ओके, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C, what will be output when you will execute following C code। ओके, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गार्बेज वैल्यू। उसका रीज़न है कि देखिए यहाँ पे नेटवर्क जो है, हम नेटवर्क नाम का जो एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं एरे में या करेक्टर स्टोर कर रहे हैं एरे में, उसकी साइज है 7। यहाँ पर हम जब कभी हम कोई वैल्यू टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट करने के टाइम पर ये हमारी वैल्यू को
स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब भी हम कोई, अब देखिए यहाँ पे एरे का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर साइज कैरेक्टर टाइप का, लेकिन हम जब प्रिंटअप में फॉर्मेट स्पेसिफायर जब हम असाइन कर रहे हैं तो एज ए स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए गार्बेज वैल्यू को यूज़ करेगा और यहाँ पर नेटवर्क जो है वो प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू का सी ऑप्शन प्रिंट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोग गार्बेज वैल्यू के रिगार्डिंग में हम ट्रीट करेंगे। ओके, आफ्टर दैट डायरेक्टिव आर ट्रांसलेटेड बाई, देखिए जितनी भी डायरेक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी डायरेक्टिव हैं वो सारी डायरेक्टिव हमारी प्री प्रोसेसर के साथ में इंक्लूड फंक्शन के साथ में यूज होती हैं। यहाँ पर हमारे जो प्री प्रोसेसर, एक ऐसा हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जहाँ पर जितनी भी सिस्टम के फंक्शन है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन है या फिर जितने भी मैक्रोज हैं वो सारे डिफाइन होते हैं प्री प्रोसेसर में, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो प्री प्रोसेसर होगा। ओके, आफ्टर दैट एक ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, अब देखिए ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल हमेशा आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर होता है, ना कि इनसाइड ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर होगा, ठीक है, और विद द फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को, क्योंकि इनसाइड ऑफ द फंक्शन जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, इसके अलावा विद द फंक्शन फंक्शन के साथ में भी जो डिक्लेयर होता है वो भी लोकल वेरिएबल होता है, तो और एनीवेयर इन द प्रोग्राम, एनीवेयर इन द प्रोग्राम का मतलब है कि हम प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन बन रहे हैं उन सब फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया हो, तो ऐसी वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑलरेडी डिक्लेयर इन द हेडर फाइल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर हमारा होगा कि बिल्ट इन फंक्शन, देखिए ये बात कर रहा है कि हेडर फाइल जो हमारी हेडर फाइल है वो हेडर फाइल किस टाइप का फंक्शन है, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है या फिर सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, तो हेडर फाइल हमारी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए ये हमारी जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के साथ में ही ये फंक्शन हमारा बिल्ट होके आता है, इसलिए इसको हम बिल्ट इन फंक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनम कीवर्ड इज यूज्ड असाइन नेम्स टू द कांस्टेंट, इनम मींस इनुमेरेटर, एक कीवर्ड होता है सी में जो कि हमारे किसी भी इंटीजर टाइप के कांस्टेंट, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर जो भी इनम नाम का जो कीवर्ड है वो एज ए कांस्टेंट यूज़ होगा इंटीजर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएबल दैट कैन बी यूज फॉर ऑल फंक्शन, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएबल दैट कैन बी यूज फॉर ऑल फंक्शन, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि सभी फंक्शन के साथ में यूज़ होता है, तो उसके रिगार्डिंग में एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम सभी फंक्शन में यूज़ कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर बी, जिसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सी लैंग्वेज, यहाँ पर आप जब चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन में से तीसरा जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है या बेस्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का, जहाँ पर ये ऑप्शन है कि द सी लैंग्वेज इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज विद सम हाई फंक्शन और फीचर्स, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात आएगी तो एरे हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर है, यहाँ पर क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन बाइनरी ट्री हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। ओके, रिकर्सिव फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन ए, अब देखिए रिकर्सिव फंक्शन को जब भी हम यूज़ करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, अगर हम रिकर्सिव फंक्शन बना के यूज़ करते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सब में हमारा डी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो कहता है वो ये कहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, रिकर्सिव फंक्शन हमेशा जब भी ये फंक्शन कॉल करना शुरू करता है अपने फंक्शन को तो जब सबसे जो लास्ट में वैल्यू होती है उसको ये पहले ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, इस यहाँ पर आंसर लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट प्रिंटअप, अब प्रिंटअप
जो भी हमारा प्रिंटअप स्टेटमेंट के अंदर जो भी वेरिएबल ये असाइन किए गए हैं, वेरिएबल की वैल्यू असाइन की गई है, उसके रिगार्डिंग जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ओके, आफ्टर दैट द स्टेटमेंट प्रिंटअप कैरेक्टर सी 100। अब देखिए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम डिस्प्ले करना हो तो हम वेरिएबल नेम असाइन करते हैं, ना कि डायरेक्ट हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर हमारा प्रिंट स्काई इक्विवेलेंट ऑफ 100। यहाँ पर जो हमारा स्काई टेबल के अंदर जो भी इक्विवेलेंट 100 नंबर के इक्विवेलेंट जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। द डैश मेमोरी एलोकेशन फंक्शन मॉडिफाई द प्रीवियस एलोकेटेड स्पेस। यहाँ पर ये बोला गया है कि जब कोई भी हम एक फंक्शन के लिए अगर हम कोई मेमोरी असाइन कर देते हैं, ठीक है ना, और उसको दोबारा से मेमोरी अगर हमें असाइन करना हो, मींस मॉडिफाई करना हो उसकी मेमोरी को, तो यहाँ पर कौन सी मेमोरी को हम, कौन से फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, मींस कौन सी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को हम यूज़ करते हैं। तो जब दोबारा से किसी भी फंक्शन को मेमोरी हमें एलोकेट करनी होती है या किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करनी होती है, तो यहाँ पर हम रियलॉक फंक्शन यूज़ करते हैं। रियलॉक फंक्शन का मतलब है कि मेमोरी को दोबारा से एलोकेट करना या फिर उसकी साइज को इनक्रीज़ करना एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहाँ पर रियलॉक नाम का एक जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद द डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज। यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर की बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि जब कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन में अगर हम कोई एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर का मतलब है कोई आर्गूमेंट अगर हम पास करते हैं, डिफॉल्ट का मतलब है, तो वो डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब है, डिफॉल्ट आर्गूमेंट का मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो कॉल बाय वैल्यू यूज़ की जा रही है और उस वैल्यू को हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पर जो भी वैल्यू कॉल की जा रही है वो कॉल बाय वैल्यू मेथड के थ्रू वैल्यू को हम कॉल कर रहे हैं। ओके, विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे हम कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। इस तरह से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से भी कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले आपको बता भी चुके हैं एक बार। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा -37। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंट ए इक्वल टू 10। मीन्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और वो उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम को रन करने के टाइप पे, क्योंकि आई हमारा कोई यहाँ पे जो आई हमने यूज़ किया है या फिर हम एम्परसेंड आई यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा असाइन नहीं किया गया ढंग से, इसलिए हमारे इस ऑप्शन में हमारा जो प्रोग्राम है वो नन ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर जो भी ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा BASC बेसिक में आंसर आएगा, बेस वैल्यू को डिफाइन करेगा, मतलब वैल्यू जो है वो बेस में आएगी। अब वो बेस वैल्यू हेक्सा में हो सकती है, ऑक्टल में हो सकती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन के थ्रू हम लोग इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 आएगा। ठीक है, तो ए जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा, 0। 0। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 10, आई इक्वल टू ग्रेटर AB। अब देखिए, यहाँ पर जो भी वेरिएबल असाइन किए जा रहे हैं उन वेरिएबल के बाद हमने क्या किया है कि सारे वेरिएबल हमारे इस प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज़ हो रहे हैं, जो कि मेन के अंदर असाइन नहीं है, मेन से पहले असाइन है। तो ये वेरिएबल हमारे ग्लोबल वेरिएबल हैं। अब यहाँ पर वॉइड मेन फंक्शन जब शुरू होता है उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंटर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और हेलो वर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं, मैसेज को यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद हम मेन फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। अब मेन फंक्शन जब मेन फंक्शन को ही कॉल करेगा तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इन्फिनाइट
ये जो प्रोग्राम हमारा है ये इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रन होगा, और रन होने के बाद यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर है हमारा सी। इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्रेक कीवर? स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड जो है वो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ब्रेक का मतलब है कि हम किसी भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो रन करने के लिए हम ब्रेक को यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो ऑप्शन फर्स्ट है ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी का मतलब है एग्जिट फ्रॉम लूप और स्विच स्टेटमेंट, मतलब कहने का जिस फंक्शन से आप एग्जिट होना चाहते हैं या फिर आप दूसरे फंक्शन में जाना चाहते हैं तो आप ब्रेक और गो टू यूज़ करके आप फंक्शन में दूसरे फंक्शन में जा सकते हैं और दूसरे फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है हमारा सी। सी आंसर के अकॉर्डिंग हम इसको मानेंगे एग्जिट फ्रॉम लूप और स्विच स्टेटमेंट। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम नेम? करली ब्रेसेस, इंट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू वाई पॉइंटर 9, प्रिंटर डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे ये प्रिंट करा रहा है। तो स्टूडेंट जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के टाइम पर ये एक्स की जो वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू 0 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर हमारा है, जब आप रन करेंगे तो 19 आंसर आएगा। देखिए 19 का मतलब है कि यहाँ पर साइज जो है वो पहले साइज स्टार एक्स मीन्स पॉइंटर के साथ में एक्स की वैल्यू साइज को डिफाइन करेगा और फिर साइज ऑफ एक्स की वैल्यू को साइज के टाइप में डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर जो 19 है 19 इस वैल्यू की साइज हो जाएगी, साइज ऑफ इस वेरिएबल की जो साइज आएगी वो 19 हो जाएगी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट? सो इंट आई इक्वल टू 3, प्रिंट ऑफ %d आई कॉमा आई प्लस प्लस। अब इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो रन करने के बाद जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा बी आंसर, इसमें 43 आंसर आएगा। आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और आई प्लस प्लस की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा जब रन होगा, रन करने के बाद आई प्लस प्लस की वैल्यू आई में स्टोर हो जाएगी और पहले ये आई प्लस प्लस की जो वैल्यू 4 होगी वो स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद 4 को आई में 4 को रखेगा और फिर जब आई प्लस प्लस फिर आएगा तो फिर ये क्या करेगा कि आई की वैल्यू को 3 रखेगा, प्रिंट पहले कर देगा और इंक्रीमेंट बाद में करेगा। तो यहाँ पे 43 करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इन सी प्रोग्राम? यू असाइन ए वैल्यू टू एन एरे एलिमेंट व्हिच सबस्क्रिप्ट एक्सीड द साइज ऑफ एरे। ओके, यहाँ पर हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। द प्रोग्राम में क्रैश इफ सम इम्पॉर्टेंट डेटा गेट्स ओवररिटन। यहाँ पर इसका जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि यह कहने का मतलब यहाँ पर इसका ये है कि जब आप किसी प्रोग्राम में किसी भी एरे की वैल्यू असाइन करेंगे उसके सबस्क्रिप्ट के साथ में, अगर सबस्क्रिप्ट की साइज बढ़ रही है तो वो क्या करेगा? द प्रोग्राम में क्रैश इफ सम इम्पॉर्टेंट डेटा गेट्स ओवररिटन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट? अब ये टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके हमने प्रोग्राम को रिटर्न किया है। टर्नरी ऑपरेटर को जब यूज़ करते हैं तो ये प्रोग्राम हमारा, यहाँ पर टर्नरी या यूवी ऑपरेटर को जब यूज़ करेंगे तो ये प्रोग्राम तो रन होगा, प्रोग्राम तो रन होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारा रिजल्ट जो है वो करेक्ट रिजल्ट शो नहीं करेगा, यहाँ पर एरर प्रोवाइड करेगा। इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो एरर का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहाँ पर आंसर जो होगा वो एरर आएगा। ठीक है, अब चलो इंट टेस्ट एरे। सो अब ये एक टेस्ट एरे नाम का एक एरे बनाया गया है जहाँ पर 3, 2, 2, अब उसके बाद ये साइज है, साइज़ के बाद वेरिएबल, हमने वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी है। अब वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे व्हाट वैल्यू डज टेस्ट एरे 210 इन द सैम्पल कोड एबोस कंटेन। यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लोग कंटेन करेंगे 210 में, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू हमारी होगी 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर जब हम देखिए अब हमने क्या किया कि वॉइड मैन यूज़ किया है, ए इंटीजर ए वेरिएबल में हमने ए
की वैल्यू असाइन की, बी वेरिएबल है हमने बी की वैल्यू असाइन की, और हमने इसके जो भी ए और बी वेरिएबल हैं उनका हमने डेटा टाइप इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में बनाया है। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन को जब यूज़ करके हम प्रिंटर फंक्शन के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसको जब हम प्रिंट कराएंगे, तो ये प्रिंट करने के टाइम पे ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन देखिए, ये प्रिंटअप यहाँ पर जब प्रिंट कर रहे हैं, जिस स्टेटमेंट को हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम नाम का स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल इफ़ और इंटीजर ए की वैल्यू और वेरिएबल की वैल्यू का कोई यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए ये जो हमारा प्रोग्राम है वो नथिंग इज प्रिंटेड का ऑप्शन प्रिंट करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट y इक्वल टू फोर, सॉरी इंट y 4 6 7 8 9, ये y एक एरे है, एरे नाम का एक वेरिएबल है जहाँ पर उसकी साइज जो है वो 4 है। अब इंट पॉइंटर के साथ में यूज़ करेंगे ptr y इक्वल टू y प्लस 2, सो प्रिंट अप ptr 1 व्हाट इज प्रिंटेड विन द सैम्पल कोड एबो इज एक्सक्लूडेड। यहाँ पर जो भी सैम्पल कोड एक्सक्लूड होगा वो हमारा सैम्पल कोड 9 एक्सक्लूड होगा। ठीक है, ओके, व्हाट विल बी आउटपुट इफ यू विल कंपाइल एंड एक्सक्यूट द फॉलोइंग सी कोड। देखिए अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रिंग जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रिंग का यहाँ पे जो साइज होगी, जो स्ट्रिंग आप इनपुट करेंगे उसकी साइज को ये प्रोग्राम हमारा डिस्प्ले करेगा, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 7.6 आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल बी आउटपुट इफ यू विल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड void main if printf c question bank printf i no c else i no c plus plus। यहाँ पे स्टूडेंट जो ऑप्शन है हमारा सी प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन में जब देखिए इफ प्रिंटअप के साथ यूज हो रहा है तो वो तो ऑप्शन प्रिंट होगा ही होगा, इसका प्रिंट इन दोनों में से कोई एक फंक्शन प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सी क्वेश्चन बैंक आई नो सी का ऑप्शन हमारा प्रिंट हो जाएगा, सी क्वेश्चन बैंक आई नो सी। आफ्टर दैट व्हाट विल दी आउटपुट इफ़ यू विल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द फॉलोइंग सी कोड। जब आप इस कोड को रन करेंगे तो रन करने के बाद आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल बी आउटपुट इफ़ यू विल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक एक्सटर्न टाइप की एक स्टोरेज क्लास ले रहे हैं, जबकि हम एक्स को एज ए एक्सटर्न यूज़ कर रहे हैं, और जब एक्स को हम एज ए एक्सटर्न यूज़ करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो वैल्यू हमारी 23 होगी। आफ्टर दैट व्हाट विल बी आउटपुट इफ़ यू विल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड void main int a कॉमा बी। ए की वैल्यू हमने असाइन कर दी, यहाँ पे बी की वैल्यू हमने असाइन कर दी प्रिंट अप। अब यहाँ पर देखिए जो ए में वेरिएबल असाइन, ए की जो वैल्यू असाइन की गई है ये इट इज़ ए नॉट करेक्ट वे ऑफ असाइन द वैल्यू। ठीक है, इसका बी की जो वैल्यू असाइन की गई है वो भी करेक्ट वे नहीं है, तो यहाँ पे जब हम दो वेरिएबल की वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्राम है कंपाइलर एरर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ई करेक्ट होगा, वहाँ पर कंपाइलर एरर का ऑप्शन प्रिंट होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।